कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। तो आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और आज मैं आपके लिए एक नया शीर्षक लेकर आई हूँ, वह है क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के प्रकार कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं, हम यह जानेंगे आज की कक्षा में। तो सबसे पहले क्रिया, तो आप अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, आप अभी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, मम्मी खाना बना रही हैं, पापा ऑफिस गए हैं कार चलाकर, और बहुत सारे ऐसे क्रिया, चिड़िया उड़ रही है, मछली तैर रही है, आप सो जाते हैं, आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो हमारे दिनचर्या, हमारी जो दिन भर की दिनचर्या होती है, जो भी काम हम करते हैं, वह क्या कहलाती है बच्चों? क्रिया कहलाती है। क्रिया में हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, गाय का चलना, पक्षियों का उड़ना, साइकिल चलाना, टहलना, बातें करना, ये सभी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम क्रिया की परिभाषा देखें। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जिन भी शब्दों से किसी भी काम के होने का, काम का होना पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, जागना, साइकिल चलाना, व्यायाम करना, तैरना, उड़ना, यह सारे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। तो क्रिया के काम में अब हम देखेंगे क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार दो प्रकार के होते हैं बेटा, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया हमने दो प्रकार देखे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब इनके नाम से ही प्रतीत होता है कि कौन सी क्रिया में कर्म होता है और कौन सी क्रिया में कर्म नहीं होता। देखिए, स कर्मक, स मतलब साथ में, जो भी कर्म के साथ होता है स कर्मक क्रिया कहलाती है। कर्म के साथ, संकर्मक, जिसमें कर्म होता है, जिसमें कर्म सोच समझ कर किया जाता है। हाँ, मुझे भूख लग रही है, अब मैं खाना खाऊंगी, ठीक है, मुझे पढ़ाई करना है या मुझे लिखना है तो अब मैं लिखूंगी, या मुझे नींद आ रही है तो मैं सोने जाऊंगी, बिस्तर पर बिस्तर को साफ करूंगी, ठीक है, मुझे साइकिल चलाना है, तो यह क्रिया सोच समझ कर भी आपने सोचा कि हाँ मुझे यह काम करना है, इसमें कर्म हो रहा है। सकर्म, कर्म आप सोच समझ कर रहे हैं। अब यहाँ पर है अकर्मक क्रिया, तो अकर्मक अ, यहाँ पर देखिए अ, बिना कर्म का, जहाँ पर वाक्य बिना कर्म का होता है या जहाँ पर क्रिया प्रदर्शित नहीं होती, क्रिया करने के लिए सोचना नहीं पड़ता हमें कि मुझे जाना है, क्रिया अपने आप होती है। देखिए, मेरी पलकें अपने आप झपक रही हैं, इसके लिए क्या मुझे सोचना पड़ता है? नहीं, वह पलकें अपने आप झपकती है। मछली का पानी में तैरना और चिड़िया का उड़ना, क्योंकि उन्हें उड़ना ही है, वह एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकती, तितलियों का उड़ना, तो यह किसके उदाहरण है बेटा? अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। तो आपको अंतर समझ में आया, सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों के आप कुछ उदाहरण देखेंगे एक एक करके। तो देखिए देखिए, पहले हम सबसे पहले देखते सकर्मक क्रिया का पहला उदाहरण। तो आपको क्या दिखाई दे रही है? एक गाय दिखाई दे रही है और गाय क्या कर रही है? घास खा रही है। तो गाय घास खा रही है, तो गाय क्या कर रही है? एक क्रिया कर रही है। तो यह क्या हुआ? सकर्मक क्रिया का उदाहरण। गाय को भूख लगी, गाय ने घास खाया, तो गाय घास खा रही है, यह हमारा उदाहरण हुआ सकर्मक क्रिया का। तो कर्ता इसमें कौन है बेटा? गाय है, क्योंकि गाय कर्म कर रही है। और घास क्या हुई? घास खाना, तो खाना क्या हुई यहाँ पे? क्रिया, क्योंकि वह खा रही है, एक कर्म कर रही है, ठीक है। तो यह हमारा सकर्मक क्रिया का पहला उदाहरण। अकर्मक क्रिया का हम एक और उदाहरण देखेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको मछली दिखाई दे रही है, ये मछली, तो यह मछली तैर रही है पानी में, ठीक है, पानी में तैरती है मछली, बाहर तो रह नहीं सकती, मतलब कहते हैं पानी में हमेशा तैरती रहती है। तो यह उसका कर्म है जो वह कर रही है, और क्रिया क्या है इसमें? तैरना। और कर्म अपने आप ही हो रहा है, वह सोच समझ कर नहीं करती, क्योंकि उसे तैरना ही पड़ेगा, ना वो एक जगह रुक सकती है, ना वो बाहर निकल सकती है, ना वो चल सकती है। तो यह हुआ हमारा अकर्मक क्रिया का
उदाहरण मछली का पानी में तैरना, जहां मछली करता है और क्रिया क्या हो रही है, तैरना। अकर्मक क्रिया का दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। तो अकर्मक क्रिया में देखिए यहाँ पे बहुत सारी तितलियां उड़ रही हैं। तो ये तितलियों का स्वभाव है वो उड़ती ही रहती है, वो एक जगह बैठेंगी नहीं। तो इसमें क्या कोई कर्म हो रहा है सोच समझ कर? नहीं, यहाँ कोई सोच समझ कर कर्म नहीं हो रहा, वो उनका स्वभाव है, वह अपने आप कर्म करती जा रही है। तो यह क्रिया तितलियों का उड़ना अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब इसमें मैं आपको कुछ शब्द ऐसे बताऊंगी बच्चों, जहाँ पर क्रिया के होने न होने से बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस वाक्य में क्रिया है कि नहीं है। तो यह देखिए यहाँ पर सहायक क्रिया जो भी लगी होती है हाँ थे, इनके द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं कि क्रिया हो रही है। जैसे श्वेता एक डॉक्टर थी, मैंने क्या बोला, श्वेता एक डॉक्टर थी। डॉक्टर तो है ना, वो वहां पर क्रिया हुई, क्यों? क्योंकि वहां पर था या थे या थी लग जाएगा, ठीक है। तो श्वेता एक डॉक्टर थी, वह बहुत बीमार था, क्रिया हो रही है। वह क्रिया किससे प्रदर्शित हो रही है, हाँ से। तो ये जो शब्द दिए गए हैं है हाँ थे थी, यह भी क्रिया के रूप को प्रदर्शित करते हैं या क्रिया का होना निश्चित करते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्रिया आप लोगों ने देखा और